यूक्रेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने बुधवार को रूस के आक्रमण के बाद से अपना पहला गेम खेला। संघर्ष के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए आयोजित जर्मन क्लब बोरुसिया मोएनचेंगलादबाख को 2-1 से हराया। यूक्रेन के एंड्री वोरोनिन ने कहा, यह मैच हमारी टीम और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ है।